गाइस मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं कि उनके फ्रिज जो उन्होंने परचेस किया हुआ है उनकी जो फ्रिज है उन साइड है बहुत ज़्यादा गर्म करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म करने लगता है, और जो उन्होंने सब्जी रखी हुई है जो भी वेजिटेबल्स वो फ्रूट वगैरह कुछ भी रखा हुआ बहुत ज़्यादा फ्रोजन हो जाता है, बहुत उसमें बर्फ जम जाता है, और जो सब्जी नीचे का वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें रखते हैं तो सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उसके लिए क्या ऐसा उपाय है ये आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर सुबह इस वीडियो कर दें स्टार्ट, सबसे पहली बात आती है कि बहुत सारे यूजर मुझसे कमेंट करते हैं कि हमारे फ्रिज जो होते हैं कुछ दिन बाद चलते चलते ऑटोमेटिक गर्म होना चालू हो जाता है। अब गर्म क्यों होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि आपका फ्रिज जब गर्म होता होगा आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अब दो जो फ्रिज होता है दो बेसिक चीज़ों पर चलता है, एक होता है कंडेंसर कॉइल और एक होता है इवेपोरेटर कॉइल। ये दो ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है रेफ्रिजरेटर में। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो काम नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर। जो कंडेंसर कॉइल होती है उसका काम ये होता है कि जो गैस होती है गैस को कंप्रेसर से लेकर के फ्रीजर जोन तक पहुँचा होता है जो कूलिंग प्रोवाइड करता है, और इवेपोरेटर का काम होता है कि कूलिंग को मेंटेन रखना, मॉइस्चर को मेंटेन रखने का काम होता है। ये दो ऐसे पार्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर के जो बहुत ही मायने रखते हैं, इनके बिना रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता है। आपने फ्रिज में देखा होगा कि एक नोट नाम एक नोट लिखा होगा जो फ्रिज के वॉल के ऊपर होता है, वॉल के ऊपर जो रहेगा उसमें सारी चीज़ मेंटेन होती हैं। मेंशन में क्या क्या होती है उसमें लिखा होगा कि आपका फ्रिज जो गर्म हो सकता है उसमें मॉइस्चर की वजह से होता है, ये चीज़ जो होती है मॉइस्चर की वजह से है, और उसमें हो सकता है कोई चीज़ आवाज़ है, क्रैक आवाज़ आ सकती है, कुछ अलग तरफ की आवाज़ें आ सकती हैं, तो वो चीज़ उसमें पहले से नोट करके रखा हुआ है। ये क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेसर जब गैस प्रोवाइड करता है गैस जब ऊपर भेजता है तो उसमें अलग अलग तरीके से प्रेशर की वजह से आवाज़ें होती हैं, जो कारण से आवाज़ अलग तरीके से आती है, और कंप्रेसर में इतनी ज़्यादा कंडेंसर से जो गैस जाती है वो बहुत ही स्पीड में जाती है जिसके कारण वो कंडेंसर जो होता है इतना ज़्यादा हीट करता है, जो मॉइस्चर की वजह से होता है, जो डिज़ाइन किया गया मॉइस्चर की वजह से होता है। गाइस जो आपको लगता है कि अगर जो आपने फ्रिज लिया हुआ है वो कुछ हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आपको दो से तीन चीज़ ऐसी कर लेना है जो आपको फ्रिज में करना चाहिए। बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं कि जो फ्रिज को होता है वो दीवार जो वाल होती है उसको बिल्कुल सटा के रख देते हैं, बहुत ही पास में रख देते हैं। वो मेक श्योर रखिए कि आपको जो दीवार है दीवार से और आपका फ्रिज का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम से कम 5 या 6 इंच के डिस्टेंस पर रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसका गैप है तो आपका फ्रिज जो है नॉर्मल ही हीट करेगा, ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है तो टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत है। सो गाइस दूसरी प्रॉब्लम जो आती बहुत सारे लोगों की आती है, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं, कमेंट में ये भी आता है कि उनको जो सब्जी रखते हैं जो भी खाना रखता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, वो फ्रिज में भी बर्फ़ जमता है, फ्रीजर में तो बर्फ़ जमता ही है लेकिन फ्रिज में भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है कि बहुत प्रॉब्लम करता है। उसका प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए फ्रीजर में और फ्रिज में, तो उनके हिसाब से क्या होता है वो लोग अपने हिसाब से टेम्परेचर कर देते हैं, उनको लगता है कि अभी कूलिंग मुझे जल्दी करना है तो कूलिंग का जो नोब होता है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसलिए कूलिंग ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर भी आपको कूलिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रहा है आपके फ्रूट में, आपने जो भी सब्जी रखा हो उसमें जम रहा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी आप सब्जी रखते हैं जो भी आप फ्रिज में सब्जी रखते हैं उसको पॉलीथीन बैग जो होते हैं उसमें अच्छे से पैक करके रखना होता है, ना कि खुला। बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं कि सारी सब्जी या फिर जो भी फ्रूट लाते हैं ऐसे उसमें रख देते हैं खोल करके, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब अगर आप ऐसे रखते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी आपने फ्रूट रखा हुआ है उसका मॉइस्चर जो होता है ना बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसमें जब ठंडक जाएगी तो मॉइस्चर निकल जाता है और मॉइस्चर रहेगा नहीं तो आपको फ्रूट जो है ना जल्दी से ख़राब होने लगता है। जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है पॉली बैग होता है उसमें पैक करके रखिए, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर हो सकते हैं आप उसमें पैक करके रख सकते हैं जिससे मॉइस्चर कंट्रोल रहेगा और आपने जो भी फ्रूट रखा हो जो भी फल रखा हुआ है वो कम से कम 7 से 8 दिन तक फ्रेश रहेंगे सेम। जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं कि एक बड़ी गलती करते हैं, उसमें आपने कभी देखा होगा एक नोब लगा होगा मॉइस्चर लिखा होगा वहाँ पर जो आप सब्जी उसमें भर के रखते हैं। अभी होता क्या है आपने जो मार्केट से सब्जी लाए करते हैं क्या डायरेक्टली आकर के जो आप रेफ्रिजरेटर है फ्रिज का जो बॉक्स होगा है जिसमें आपको वेजिटेबल बॉक्स रखना है उसमें आप भर देते हो रख देते हैं, और उसमें आप जो कंट्रोलर मॉइस्चर कंट्रोलर अब एक बटन से आपको देखने को मिलती है वो आप उसको मेंटेन करना भूल जाते हो जिस वजह से उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है मॉइस्चर मेंटेन नहीं हो पाता है जिसके कारण सब्जी में फंगस लग जाते हैं और सब्जी जल्दी से ख़राब होना चालू हो जाता है। आपको क्लेम किया जाता है कंपनी भी सारी क्लेम करती है कि जो भी आपका फ्रूट है जो भी आपने सब्जी रखी हुई है 7 दिनों तक फ्रेश रखने की ताकत होती है हर एक रेफ्रिजरेटर में,
अब ऑन हो जाए। गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही था, बहुत सारे मेरे यूजर थे जो कमेंट कर रहे थे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों को, तो शायद उनको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें अभी नई प्रॉब्लम होने वाली है।